उषा किरण जी, एक तो आप घमासान और मामा साहित्य मंच के कार्यक्रम में पधारित, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो अभी जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, साहित्य समागम है जिसमें महिलाओं से संबंधित साहित्य पर लेखन पर बात हुई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और ये बहुत अच्छा है। मैंने देखे पुराने प्रोग्राम के भी कुछ क्लिप देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपका प्रयास बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि इससे कुछ महिलाओं, नई जो लेखिका है, उनको प्रोत्साहन मिलता है? जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा प्रोत्साहन, और प्रचार भी होगा साहित्य का, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो अभी आपकी जो ताना बाना किताब आई है, इसमें आपने क्या बताने की कोशिश की है? ये ताना बाना एक्चुअली इसमें मेरी कविताएं हैं और हर कविता पे मैंने अपना स्केच बनाया है, और ताना बाना एक्चुअली जीवन का ताना बाना, जो मेरे जो भी मैंने लिखा वो अपना ही लिखा। तो जो मान जीवन में जो भी मान अपमान आया, प्रेम आया, द्वेष आया, हार आई, जीत आई, नफरत आई, जो भी कुछ सुख दुख आए, तो उस पर मैं कविताएँ लिखती चली गई। रिश्तों पे लिखी, नफरत पे लिखी, प्यार पे लिखी, तो वो जो कविताएँ थी वो जीवन का ही ताना बाना था। और कहीं मैं कबीर की जो काव्य है उससे मुझे बहुत मेरे ऊपर प्रभाव है, क्योंकि बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे पेंटिंग में भी आजकल जो मेरा विषय है वो कबीर है, और कबीर का जो ताना बाना मेरे माइंड में चलता रहता है निरंतर। एक्चुअली मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं चिन्मय मिशन से जुड़ी हुई हूँ, तो उपनिषद हैं, गीता है, इन सब का अध्ययन मैंने किया है बहुत सालों से, मेरा बहुत रुचि है अध्यात्म में। तो जब हम कोई गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा मुश्किल से अंदर, मतलब उसको समझना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो कबीर की वाणी है, जो कबीर बोलते हैं, वो कितनी सहजता से अंदर समझ आता है, वो वही बात बहुत आराम से समझ में आ जाती है। जैसे कि उनका है, काहे रे नलनी तू कुमलानी। अब ये चीज़ आजकल मुझे बहुत बहुत मुझे ये चीज़ आकर्षित करती है, ये पंक्ति, और मेरे कई पेंटिंग में ये विषय है, काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो ये कबीर का जो ताना बाना है, जो ये पूरे जगत का ताना बाना है, माया और ब्रह्म का ताना बाना है, ये सब मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो मेरे मन में कहीं ये कबीर का ताना बाना चलता रहता है, इसलिए मैंने इसका एक तो कविता और स्केच का ताना बाना, एक जीवन का ताना बाना, ईश्वर का और जीव का ताना बाना, सांसारिकता का और आध्यात्मिकता का ताना बाना, तो सब में मुझे ताना बाना ही दिखाई देता है। और मेरे अपने जो अभिव्यक्ति के दो माध्यम हैं, एक तो चित्रकला, क्योंकि मैं पेंटिंग में प्रोफेसर हूँ, 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं HOD मेरठ कॉलेज में फाइन आर्ट्स में हूँ, इस साल मैं रिटायर हो रही हूँ। तो पेंटिंग और एक ये साहित्य, दोनों का ताना बाना, जो कुछ चलता रहता है, तो ये सब दिमाग में मिला करके बस मुझे एक यही विषय समझ में आया, ताना बाना जो मेरे मन में चलता रहता है, तो मैंने इसका शीर्षक ताना बाना रख दिया। तो आपको जैसे साहित्य के साथ ही जो आपकी कला का भी जो पेंटिंग का फील्ड है, तो दोनों में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं कविताएं भी लिखती हूँ और कहानी भी लिखती हूँ और पेंटिंग भी। पहले तो मुझे पेंटिंग ज़्यादा, पहले मैंने शुरुआत की लेखन से, दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मुझे बहुत सारे शौक थे, मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे माध्यम छांटती थी, कई माध्यम में जाती थी। तो मेरे पापा ने कहा कि आप कोई एक माध्यम लेना पड़ेगा, आप सब जगह अगर इस तरह भागोगे तो आप अपनी एनर्जी और टाइम को बिखरा दोगे, तो कोई एक विषय लीजिए जिसमें कि आप अपने को अभिव्यक्त कर सके, आखिर में तो कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर पेंटिंग को लिया, क्योंकि रंग मुझे और जो आकार हैं, रेखाएं मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, तो मैंने पहले चित्रकला को ही चयन किया उसका, और उसी में अपना करियर बनाया, PhD के संस्कृत में भी मैंने MA किया, क्योंकि मेरी अध्यात्म रुचि थी और मैं सारा संस्कृत में ही है, जितना भी उपनिषद वगैरह हैं, गीता है, तो मैंने संस्कृत में MA किया,
आध्यात्मिक अध्ययन करने के लिए। फिर मैंने पेंटिंग को लिया उसमें, फिर मैंने जॉब किया, और साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक माध्यम मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मैं एक माध्यम से बंध के नहीं रह सकती। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चित्रों में अच्छा कह सकती हूँ, पर चित्रों में सब कुछ नहीं सिमट पाता। जब चित्रों में बहुत कुछ रह जाता है तो मुझे शब्द बहुत आसान लगते हैं और मैं शब्दों में कह देती हूँ। अब जैसे देखिए कहानी, और इसमें भी मेरी दो विधाओं में मैं लिखती हूँ, कविता भी और कहानी भी मैंने लिखी। कहानी तो एक आराम से बैठ के उसका कथानक, उसके पात्र, उसके संवाद, इत्मीनान से बैठ के एक बुनावट सी करनी पड़ती है। और कविताएं ऐसे हैं जैसे तितली सी, देव चलते फिरते, किचन में काम करते, बस में जाते, क्लास में पढ़ाते, कहीं भी एकदम अचानक माइंड में कोई विचार आया, ऐसे कोई तितली की तरह आप दो मिनट में आप लिख लिया, उसको बाद में आप उसका विस्तार करते रहे, तो मुझे एक माध्यम कम पड़ता है मेरी अभिव्यक्ति के लिए। तो मुझे बहुत सारे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मैं दोनों माध्यम, तीनों ही माध्यम, मतलब काव्य भी, कहानी भी, चित्रकला भी, पेंटिंग, और ये जैसे कि मैंने कविताएं थी तो मेरी अधूरी रही जब तक मुझे लगा कि मैं इस पर जो बची खुची अभिव्यक्ति है मैं इसमें रेखांकन नहीं करूँगी, तो मैंने इसमें फिर स्केच भी बनाए, और फिर सब कुछ अंत में जाके समाहित हो जाता है जो मैं अध्यात्म का अध्ययन करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए इन सब का उद्देश्य तो सिर्फ अपने को खोजना और पाना ही है, कहीं ना कहीं अपना विस्तार करना है। तो आप देखिए बहुत कुछ हम समाज में बर्दाश्त करते हैं, हम सहते हैं, सुख दुख आते हैं, प्यार आता है, नफरत आती है, और बहुत सारे भाव आपको करते हैं, आप हर समय अपने को पूरा अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कह दिया गुस्से में, आपको दुख हुआ, आप कहाँ तक लड़ोगे, आप कहाँ तक रोगे, तो आप अपने मर्यादाओं में घिरे बैठे हैं। आप एक कलाकार नहीं लड़ सकता, कलाकार हर एक के संग लड़ेगा नहीं, हर एक से बराबरी नहीं कर सकता, तो कलाकार या साहित्यकार तो अपने साहित्य के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से, अपने चित्रों के माध्यम से उस बात को कहेगा जो एक सुंदर माध्यम है। और मुझे सौंदर्य से बहुत प्रेम है, आत्मिक सौंदर्य से, हर तरह के विचार, वैचारिक सुंदरता से, भावनात्मक सुंदरता से, तो मैं अपना माध्यम सुंदरता का ही ढूंढती हूँ। तो ये इसी तरह से मेरा जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त होती है, जो मुझे कहना होता है तो मैं इन्हीं के माध्यम से कहती हूँ, और जिस माध्यम में मुझे ठीक लगता है मैं उसी माध्यम से कह देती हूँ जो बात कहनी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।